हल्द्वानी जिला प्रशासन ने आम जन को जाम से निजात दिलाने की तैयारियां पूरी कर ली है। इसके मद्देनजर मंगल पड़ाव से रोडवेज बस अड्डे तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। पहले चरण में मंगल पड़ाव से बॉम्बे क्राकरी तक सड़क के मध्य 12-1 दूरी की सरकारी संपत्तियों के साथ ही दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया है। इससे प्रभावित व्यापारियों ने अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए जिला प्रशासन को आवेदन किए हैं। वहीं नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि जिलाधिकारी और नगर निगम प्रशासक के निर्देशों के क्रम में व्यापारियों की आपत्तियों के निस्तारण और सुझाव प्राप्त कर 6 जनवरी यानी कि कल मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निगम के सभागार में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में वर्तमान मेयर, संबंधित पार्षद, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, टेम्पो यूनियन के साथ ही चिन्हित व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह प्रकरण अतिक्रमण का नहीं है, रोड चौड़ीकरण का प्रकरण है। मंगल पड़ाव से लेकर के बस अड्डे तक दो चरणों में रोड चौड़ीकरण करने का अभियान चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में मंगल पड़ाव से लेकर बॉम्बे कॉलोनी तक के चिन्हीकरण कर लिए गए हैं। उसमें कुछ निगम की संपत्तियाँ से भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो प्राइवेट संपत्तियाँ हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। कल एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें सबका संवाद किया जाना है, योजना के विषय में बताया जाना है, योजना की आवश्यकता, उसके औचित्य पर चर्चा की जानी है, उसके बाद उनकी बात भी सुनी जानी है।